हे एवरी वन, वेलकम बैक टू क्लास. दिस इज दीपिका अवस्थी. आज हम करने वाले हैं ऑड वन आउट पार्ट 5, एपिसोड 5. यस, हमने 4 एपिसोड्स कर लिए हैं एंड आज स्टार्ट करते हैं 5th एपिसोड, जहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एंड ये एक मैंने कोट रखा है जो मुझे लगता है इस क्लास के लिए स्पेशली यूजफुल है. लॉजिक विल टेक यू फ्रॉम ए टू बी, इमेजिनेशन विल टेक यू एवरीवेयर. दैट मीन्स जो भी अभी तक हमने स्ट्रैटेजीज सीखी हैं फॉर ऑड वन आउट एंड फॉर दैट मैटर अदर टाइप ऑफ टॉपिक्स एज वेल, फॉर पैराजम्बल, समरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सारे टॉपिक्स करते ही रहते हैं, राइट? तो जो लॉजिक या स्ट्रैटेजी आप सीखते हो वो डेफिनेटली आपको एक हद तक हेल्प करती है, बट उसके ऊपर क्रिएटिविटी, एक क्वेश्चन समझना, आप क्वेश्चन समझ के कितना अच्छा विजुलाइज कर पाते हो, राइट? योर कम्फर्ट इन अंडरस्टैंडिंग विद द क्वेश्चन इट सेल्फ, जो ये प्रैक्टिस और हार्डवर्क से आता है, उसी से एक्चुअली राइट सेंस में आपकी 100% एक्यूरेसी या आप एक बहुत ही अच्छी रैंक ला पाओगे, राइट? सो हमने ये स्टेप्स ऑलरेडी देख लिए हैं ऑलमोस्ट हर क्लास में, सो वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चन. आई गेस लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, माई फ्रेंड्स. सो लेट्स रीड इट. सो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि रीड ऑल द सेंटेंसेज, पूरा पैराग्राफ, पैराग्राफ मतलब चार हो या पाँच हो, आपको जो भी सेंटेंस रीड किए सब कुछ रीड करो. और हमेशा आपको मिनिमम 2 सेंटेंस ऐसे मिल जाएंगे जो सेम ही टॉपिक पे और ऑलमोस्ट सेम तरीके से चीज़ें बोल रहे होंगे. सो वो कौन से 2 सेंटेंस? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पे इन दिस कॉन्टेक्स्ट, दिस मतलब कौन सा कॉन्टेक्स्ट, या बट स्टोरीज है, ये किसके अगेंस्ट में है, या एज एविडेंस्ड बाय, तो इन चारों को रीड करके देखते हैं कौन से 3 में सेम टाइप का टॉपिक है, या टोन या टेंस के बेसिस पे कौन सा एक अलग दिख रहा है. यंग अडल्ट लिटरेचर अश्योर्स टीन्स दैट द वर्ल्ड इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सो यहाँ पे हम लिटरेचर के बारे में कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं कि जब हम लिटरेचर स्टोरीज पढ़ते हैं तो इट अश्योर्स अस एज टीन्स, एज यंग पीपल, कि वर्ल्ड इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपथाइजिंग विद, मतलब वर्ल्ड हमें समझ सकता है. इन रियल वर्ल्ड दैट मे नॉट बी ट्रू, बट बुक से, स्टोरी बुक से हमें बचपन में ऐसा लगता है. एंड इट कैन प्रोवाइड अ सेफ स्पेस टू एक्सप्लोर द अननोन इंक्लूडिंग द अननोन पार्ट्स ऑफ वंस, हम चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं जैसा हमें ठीक लगता है, हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं विदाउट वरिंग. दैट्स वॉट हमें स्पेशली जो बुक्स लिखी होती है फॉर यंग पीपल, फॉर टीनएजर्स, उन बुक्स को पढ़ के हमें ये लगता है कि भाई वी कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड वी कैन डू वॉट वी लाइक दैट. नाउ एज एविडेंस्ड, अब देखो बी के अलावा मैं आप एक बार सी पढ़ूंगी बिकॉज ये भी यंग अडल्ट के बारे में. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट novels can play a special role with stories crafted so specifically to validate their emotions एंड स्पीक टू यंग वुमेन्स कंसर्न्स. मतलब हम बोल रहे कि जैसे वर्ल्ड कैन अंडरस्टैंड, तो इसलिए उस हिसाब से नॉवल्स बहुत ही स्पेशल रोल प्ले कर सकते हैं इन अंडरस्टैंडिंग यंग पीपल, टीनएजर्स, स्पेशली यंग फीमेल्स, एंड उनको समझाएं. सो ए और डी क्लियरली एक पेयर है, सेम ही चीज़ बोल रहे हैं अगर आप ध्यान से देखो तो, राइट? ए डी या डी ए. नाउ बी और सी में इफ यू रीड, सी भी सेम ही लाइन पे है. एज एविडेंस बाय स्टडीज एज वेल एज आर ओन मेमोरीज, टीन गर्ल्स आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू सेल्फ डाउट एंड सेल्फ एस्टीम. तो जनरली टीन गर्ल्स को सेल्फ डाउट होता है और इस कॉन्टेक्स्ट में उनकी इस तरह की बुक्स एंड नॉवल्स हेल्प करती हैं, बिकॉज बुक्स से लोग डेफिनेटली टीनएजर्स इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको पढ़ के जो उनको लगता है पढ़ाया लिखाया तो सही होगा ना टाइप, इज़न्ट इट? सो इफ यू रीड केयरफुली सी ए डी या सी डी ए, एक ही चीज़ बात करें, मेरे ख्याल सी डी ए विल मेक द बेस्ट सीक्वेंस. वेर इज नाउ दैट वेन यू रीड बी, बी एक ऑपोजिट पॉइंट पुट अक्रॉस कर रहा है, बट स्टोरीज हैव ऑलवेज हेल्ड द पावर टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस देयर लिसनर्स एंड मोर ओवर टीन्स ऑफन लैक द टूल्स और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट टू व्यू द वर्क्स इन अ क्रिटिकल, मतलब टीन्स को समझ ही नहीं आता है, टीन्स डू नॉट हैव टूल्स और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ एनी ऑथर और बुक ऑफ एनी ऑथर, दैट्स वॉट इट सेज. बाकी जगह बोले कि टीन्स इन्फ्लुएंस होते हैं, उन्हें ये लगता है बुक से पढ़ के, सो उस हिसाब से तो अगर कोई भी टीनेजर या कोई भी यंग वुमेन इज डाउटफुल, उस केस में हम नॉवल्स के थ्रू उनको एक अच्छा फील करवा सकते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग, लाइक नो कि दैट वर्ल्ड अंडरस्टैंड, वैसा करवा सकते हैं. वेर एज बी सेज कि भाई टीन्स को समझ ही नहीं आती बुक इतनी ज़्यादा, सो बी इज सर्टेनली ऑड वन आउट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्टूडेंट्स लेट अस रीड दिस. इन 1991 लेबरर्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम द विलेज ऑफ तमिलनाडु. तो तमिलनाडु से कुछ लेबरर्स आए एंड कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, और वहाँ पे वो एक अन्नावाड़ी स्लम में रुके थे, राइट? जब काम खत्म हुआ तो दे डिसाइडेड टू स्टिक अराउंड, वापस नहीं गए, वहीं पे रहे. फाइन. पुलित्ज़र प्राइज़ विनिंग जर्नलिस्ट कैथरीन बूथ स्पेंड, उस वो भी मुंबई के उस स्लम में रही है, सिचुएटेड द फ्रिंजेस ऑफ सिटीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में है, वो भी वहाँ पे रही. सो व्हाई एनीवन वुड वांट टू लिव इन अ सॉडन स्नेक फील्ड बिट ऑफ ब्रशलैंड, मतलब इस तरह की जगह पे कोई क्यों रहना पसंद करेगा,
इज़ अ बैफलिंग क्वेश्चन टू मेनी, बट बिकॉज रूरल, बट रूरल जो पॉवर्टी, गांव में तो कुछ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है पॉवर्टी, एटलीस्ट शहर में आके आप गरीब इधर रह रहे हो, बट अपॉर्चुनिटी यू एटलीस्ट वर्किंग, मे बी अ लो पेइंग जॉब, बट देर इज समथिंग. सो रूरल पॉवर्टी इज वर्स देन अर्बन डेस्टिट्यूशन. डेस्टिट्यूशन मतलब भी पॉवर्टी हुआ. सो मेनी रूरल माइग्रेंट्स, इसलिए उनको लगता है कि इससे अच्छा शहर में जाके रहो, कंपेरेटिवली स्टिल एक बेटर सिचुएशन है. सो दैट्स द रीज़न. तो यहाँ पे मुझे क्यों रहना पसंद करेंगे, इसलिए रहना पसंद करेंगे क्योंकि एटलीस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज कम्पेयर टू गांव में, तो रूरल में तो वो भी नहीं है. थ्रू द लाइव्स ऑफ सेवरल प्रोटागोनिस्ट. अब देखो यहाँ पे हम एक ही पर्सन, पर्टिकुलर जर्नलिस्ट की बात करें, कैथरीन वू, जिसने जो वहाँ पे रही है, जिसने चीज़ें एक्सपीरियंस किया, वो बोल रही है वहाँ पे ये लोग रह रहे थे. सो इट कैन बी बी ए सी. और क्यों रह रहे थे, क्योंकि भाई अपॉर्चुनिटीज थी. अब जो डी है, हमें कि थ्रू द लाइव ऑफ सेवरल प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट मतलब लीडर्स या हीरोज ऑफ द स्टोरी, बहुत सारे, किसकी नज़रों से, सिर्फ कैथरीन बुक की नज़रों से मुझे पता है कि उसकी जर्नलिस्ट उसकी बुक या कोई आर्टिकल के थ्रू कि ये सिर्फ स्टोरी है, कौन बहुत सारे लोग हैं, तो दैट्स अ क्वेश्चन मार्क. द रीडर्स इज एबल टू गेट अ ग्लिम्स इन टू वॉट लाइफ मे बी, तो लाइफ उसके थ्रू पता चलता है बहुत सारे, वी डोंट नो, एक पर्सन के आर्टिकल के थ्रू तो समझ आता है. सेवरल प्रोटागोनिस्ट कौन है, दैट इज़ अ लिटिल डाउटफुल. सो डी विल बी ऑड वन आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. इन जनरल इट इज़ फेयर टू से दैट दीज एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म मोर एफिशिएंटली एज अ रिजल्ट. सो दीज एक्टिविटीज़, नाउ दीज एक्टिविटीज़ रेफर टू वॉट हियर, मेनी एक्टिविटीज़ मे बी इसको रेफर करें, मेनी एक्टिविटीज़ दैट वर प्रीवियसली परफॉर्म फॉर फ्री, सच एज होम मेंटेनेंस, केयर फॉर सिक एंड एल्डर, ये तो पहले फ्री में करते, किसी की केयर करनी है ओल्ड लोग की या बूढ़े लोग की, बट अब इनको आउटसोर्स किया जाता है, और एक इज एन इकोनॉमिक आउटपुट है, मतलब ये भी एक तरह का खर्चा हो गया अब आजकल. सो इट इज़ फेयर टू से दैट दीज एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म मोर एफिशिएंटली एज अ रिजल्ट. अब क्योंकि पैसे दे रहे हो तो ऑफकोर्स अभी ये एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म भी की जाती है, ऐसे ही नहीं कि कोई कुछ भी कर रहा है. सो पीपल हु स्किल्स आर वर्थ से $50 per hour, फॉर एग्जाम्पल कोई इस तरह की होम मेंटेनेंस हो गया, कुछ भी ऐसा काम है जो 3-4 साल 5 साल से कर रहा है, उसका उसकी वर्थ है $50, उसको एक्सपीरियंस भी है, एक्सपर्ट भी है, $50 per hour ले रहा है, तो स्पेंड मोर ऑफ द टाइम अर्निंग $50, तो वो ज़्यादा वो करेंगे रैदर देन कुछ छोटे मोटे काम करेंगे तो $10-20 उनको मिलेंगे, वो काम नहीं करेंगे, राइट, ठीक है. बट मेनी इंडिविजुअल्स मोस्ट ऑफ टाइम गो ऑनलाइन, पर लोगों की जो टाइम है ज़्यादातर ऑनलाइन जाती है उनके इंटरेस्ट में या कुछ खरीदने में, ये तो रिलेटेड ही नहीं है, इज़न्ट इट. हम बोल रहे कि इन सब एक्टिविटीज़ के अब क्योंकि हम पैसे देते हैं तो ज़्यादातर लोग ऑफकोर्स अर्न करते हैं इसमें से, और एज अ रिजल्ट काम भी एफिशिएंटली करते हैं. अब इसके अलावा लोग ऑनलाइन टाइम पास करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, दैट इज़ डेफिनेटली व्हाट वी कैन से आउट ऑफ स्कोप, इज़न्ट इट. सो ऑप्शन डी. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 4 एवरीवन. Developed countries, however, devote most of their research funds to the disease from which their citizens suffer, and that seems likely to continue for the foreseeable. वो होगा, developed countries ज़्यादातर उन diseases पर पैसे खर्च करती है जो उनके citizens को currently है या फिर उनको लगता है future में हो सकती है. On which problems should we focus research in medicine and biological sciences, किस चीज़ में, तो maybe उसका answer है question और बाकी जो sentence है वो उसके answer है. So B से हम sequence शुरू करेंगे. People in rich countries, that is developed countries, already can expect to live about 30 years longer. Generally वहाँ के लोग longer रहते हैं, क्यों रहते हैं, because they spend money in research and development, right? So B, C, A. Now when we read D, there is a strong argument in tackling the diseases that kill the most people. Diseases like malaria, measles, diarrhea, which kill malaria in developing countries, but very few in the developed countries. वो तो ठीक है, पर इस पर काम क्या हो रहा है कि भाई ये सब diseases हैं जो इन लोग, but how it is related to why funding for diseases, किस चीज़ पे हमें research करनी चाहिए, किस चीज़ पे funding करनी चाहिए, तो D is not really related. So D is the odd one out. Question number 5. Drugs with serious adverse safety profiles are used to treat potentially fatal, fatal means deadly conditions, including forms of cancer, inflammatory, arthritis, HIV, because they ultimately help more than they hurt. तो बहुत सारे जो serious या side effects वाले medicines होते हैं वो इन सब जो बहुत ही dangerous diseases हैं उनके लिए use होते हैं, because ultimately वो फ़ायदा ज़्यादा पहुँचाते हैं, उनके side effects हैं पर नुकसान कम है comparatively. तो हम यहाँ पे बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि सी से स्टार्ट करना चाहते हैं, रादर देन असेस अ मेडिसिन, मेडिसिन की सिर्फ सेफ्टी देखने से अच्छा इट्स एडवर्स इफेक्ट्स मस्ट आल्सो बी, मस्ट बी उसके एक मेडिसिन के सेफ्टी के अलावा उसके साइड इफेक्ट्स, उसके एडवर्स इफेक्ट्स भी देखने चाहिए उसकी एफिकेसी एफिशिएंसी के लिए.
इन अदर वर्ड्स, अब बेनिफिट रिस्क, कितना फ़ायदा है कितना रिस्क है, दोनों चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें देखनी चाहिए, राइट? सो सी डी सेम चीज़ बोल रहे हैं. एंड ए इज एन एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल जो ड्रग्स हैं इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, पर अल्टीमेटली दे हेल्प मोर देन दे हर्ट, तो इसलिए हम इनको यूज़ कर लेते हैं. नाउ बी इज एक्चुअली ऑड वन आउट, आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज इट ओनली टॉक्स अबाउट सेफ्टी अगेन, कि ड्रग सेफ्टी इज द लीडिंग फैक्टर या इज द मेन फैक्टर इन डिटरमाइनिंग कैसे मेडिसिन काम करेगी. नहीं, सेफ्टी के अलावा साइड इफेक्ट भी है ना, साइड इफेक्ट दोनों चीज़ें हमें देखनी, नॉट जस्ट सेफ्टी. सो बी अगेन चेंजिंग द टॉपिक इज नॉट एग्जैक्टली ऑन द सेम टॉपिक एज रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेज. सो बी इज ऑड वन आउट एंड सी डी ए इज द सीक्वेंस. क्वेश्चन नंबर 6, मच ऑफ द अफ्रीकन सर्फेस इज कवर्ड बाय सवानाज और ओपन ग्रास लैंड्स एंड इवन बाय, सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैसे अफ्रीका अफ्रीकन सर्फेस इज कवर्ड बाय मेनी टाइप ऑफ प्लांट्स ट्रीज, राइट? सवाना, ग्रास लैंड्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, ऑल दोज थिंग्स. अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट ऑफ ग्रेट साइज, ऑलमोस्ट 12 million स्क्वायर माइल्स और अबाउट 3 times द साइज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और उसका लाइक यू नो उसका ज़्यादातर सरफेस ग्रास लैंड में है, ठीक है. मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स मतलब जंगल है. एंड सो यहाँ पे भी वही बात करें जो ग्रास लैंड सवानास में, एंड वी ऑफन थिंक ऑफ अफ्रीका इन टर्म्स ऑफ इट्स रेन फॉरेस्ट, लेस देन 10% ऑफ द कॉन्टिनेंट इज कवर्ड बाय ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड दो. सो अगेन कैसे अफ्रीका इतना बड़ा एक मतलब इतना ज़्यादा उसका वो है, क्या बोलते हैं, स्क्वायर माइल्स है, इतना बड़ी कंट्री है. एंड हाउ मजॉरिटी ऑफ द कंट्री हैज़ मेनली जंगल्स, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, ऑल दैट वी आर सेइंग, राइट? ट्रीज एंड प्लांट्स इन शॉर्ट. सी टॉक्स अबाउट एनिमल्स, वी हैव ऑलरेडी नोटेड द ओरिजिन्स ऑफ ह्यूमन काइंड इन ईस्ट, ह्यूमन काइंड की कैसे ह्यूमन काइंड शुरू हुआ, उसके जो अर्लीस्ट फॉसिल्स हैं प्रोटोहोमिड्स वो मिले हैं. इसका ट्रीज और फॉरेस्ट उससे तो कोई लेना देना कि ह्यूमन काइंड कैसे शुरू हुआ अफ्रीका में उसकी, तो ये टॉपिक ही अलग है, isn't it? हम तो अफ्रीका में कितने ट्रीज़ हैं, कितने जंगल्स हैं, प्लेन्स हैं, ये सब के बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन काइंड का फ्यूचर, ह्यूमन काइंड का हिस्ट्री नहीं देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 7, इन दीज सेंचुरीज देयर वर इम्पॉर्टेंट एडवांसेस इन द एस्थेटिक्स ऑफ नेचर इंक्लूडिंग द इमर्जेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस, डिसइंटरेस्टेड मतलब फेयर होना, एंड द पिक्चरस्क एज वेल एज द इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ पॉजिटिव एस्थेटिक्स. मतलब जब हम बात करते हैं एस्थेटिक्स ऑफ नेचर, हम नेचर कितना ब्यूटीफुल, उसमें 3 चीज़ों की बात करते हैं कि पहले तो हमें न्यूट्रल ऑफ फेयर होकर रहना है नेचर, ऐसे नहीं कि उसको करने के चक्कर में आप एक ऐसे ट्रीज लगा रहे हो जो आपकी कंट्री को एनवायरमेंट क्लाइमेट को सूट नहीं करते हैं और ग्रो नहीं हो पाएंगे. एट द सेम टाइम ग्रीनरी या ऐसे जो अच्छी भी लगे एट अ पॉजिटिव, उसका पॉजिटिव मतलब एनवायरमेंट पर भी अच्छा फ़र्क पड़े, लोगों पर भी, इस तरह से हम बात कर रहे हैं अबाउट द एस्थेटिक्स ऑफ नेचर, ठीक है. सो दस, अब देखो यहाँ पे हम बात करें एक और 18th and 19th, सो दस बाय द एंड ऑफ द 18th and 19th century. सो व्हेन वी से इन दीज सेंचुरीज वी मस्ट बी सेइंग हियर, इजंट इट, इन दीज सेंचुरीज मतलब दीज टू. सो बी ए इज अ सीक्वेंस. ऑल्दो एनवायरमेंट एस्थेटिक्स हैज डेवलप्ड अ सब फील्ड ऑफ फिलोसफिकल एस्थेटिक्स ओनली इन द लास्ट 40 years ही हुआ है, बट इसके हिस्टोरिकल रूट्स 18th and 19th century में, जिसमें कि हमने ये 3 concepts निकाले हैं और इन 3 concepts के ऊपर हम इधर पे बात भी कर रहे हैं कि सो दस बाय द एंड ऑफ द 18th century देयर वर 3 clearly distinct ideas ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर्स डाइवर्स एंड कॉन्ट्रास्टिंग मूड्स, राइट? कि ये आइडियाज़ थे. नाउ डी सेज दीज नोशंस, नोशन का मतलब होता है ओपिनियंस. देखो ये फैक्ट है कि 18th और 19th century में ये कॉन्सेप्ट निकला एनवायरमेंटल एस्थेटिक्स को लेके, जिसके एक सब टॉपिक्स निकले ये 3, और उस पर डिपेंडिंग ऑन लेकिन ना कैसा कहाँ पे क्या क्या एनवायरमेंट है उस तरह से हम भाई एस्थेटिक्स रखते हैं नेचर की, ये हम बात कर रहे हैं. ऑल्सो इसको अगर रखना भी होगा तो डी को विल कीप एट द एंड ऑफ द सीक्वेंस, इजंट इट? सो डी विल बी द ऑड वन आउट. क्वेश्चन नंबर 8, बट द लॉस इज नॉट ओनली देयर्स, देयर मतलब कौन, हु आर वी टॉकिंग अबाउट. अनलेस डिसएडवांटेज रेशियल ग्रुप्स आर इंटीग्रेटेड इन टू मेन स्ट्रीम सोशल इंस्टीट्यूशंस दे विल कंटिन्यू टू सफर फ्रॉम सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन. मतलब फॉर एग्जाम्पल सी, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि कोई भी कॉलेज लेवल पे 2 colleges के बीच कोई डिबेट हो रहा है कि लेट्स से रिच और पुअर पे. सो इट करंट अफर्मेटिव एक्शन डिबेट्स, जो भी हम एक्शन डिबेट्स जो भी डिबेट्स करते हैं, दे हैव लॉस द साइड, तो वो इतने अब यूजफुल नहीं रहे हैं डिबेट्स, बस बोलने की बात हो गई है. ऑफ द आइडियल ऑफ इंटीग्रेशन एज अ कंपेलिंग मॉरल एंड पोलिटिकल गोल, क्योंकि हम जो जिस टॉपिक बारे में बात करें वो टॉपिक के लोग ही नहीं होते हैं जनरली,
जो दो लोग डिबेट कर रहे हैं शायद उन्होंने वो चीज़ देखी नहीं, एक्सपीरियंस ही नहीं कि वो कई बार होता है. सो इट इज़ हाई टाइम दैट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन फोर्थ राइटली डिफेंड दिस आइडियल इन इट्स ओन राइट. वॉट इज दिस आइडियल जो हम इधर पर बात करें, दैट अनलेस डिसएडवांटेज रेशियल सी यहाँ पे जो बात कर रहे हैं इस आइडियल की बात कर रहा है. सो इसीलिए अनलेस जब तक इस तरह के कोई भी रेशियल ग्रुप्स पुअर पीपल हो गए या किसी भी तरह के कोई लोग जिनको डिसएडवांटेज है, इन लोगों को हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं मेन स्ट्रीम बड़े बड़े कॉलेजेस में, उनका डिस्क्रिमिनेशन होता ही रहेगा या इस तरह के डिबेट्स इनके ऊपर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है. हम ठीक है इनके सपोर्टिव बोल रहे हैं बट देन उससे क्या हो जा रहा है, बोलने से कुछ नहीं होता है, करने से होगा. वी हैव टू इंटीग्रेट सच पीपल इन द बिग कॉलेजेस, मेन कॉलेज, मेन एजुकेशन सिस्टम, इन एवरीथिंग, राइट. बट द लॉस इज नॉट ओनली देयर्स. अब ये पता नहीं किसके बारे में बात करें, कौन सा लॉस, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द टॉपिक. डिबेट करना इनफ नहीं है, इस पर एक्शन लेना, इस पर कुछ करना इज मच मोर इम्पॉर्टेंट इज वॉट वी आर सेइंग, राइट. सो सी डी B is the main sequence and A is odd one out. Now question number 9. Not long ago the world's main worry was that people had too little. पहले तो लोगों को past में tension था कि लोग के पास बहुत कम है खाने को, तो क्या खाए कैसे खाए, dietitian रखे कि नहीं रखे, तो कोई चिंता की बात ही नहीं, पहले खाना तो फिर उस पर tension, right? पर अब ऐसा हो गया है कि in an age of plenty individuals have the luxury of eating, but अब सब जिसको जो चाहिए वो सब खा सकते हैं. सो ए बी आर इन अ वे कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट्स है, ठीक है. येट अमेरिका फॉर ऑल इट्स लिबरेटेरियन ईथोस इज नॉट नाउ वरिंग अबाउट हर्ट सिटीजन. तो अब क्योंकि अब अमेरिका को टेंशन है कैसे उसके सिटीजन्स खाएं, हेल्दी हैबिट्स इनकलकेट करें, कितनी एक्सरसाइज कैसे करवाएं इन लोगों से, ये सारी टेंशन है क्योंकि अब ऐसा हो गया है, राइट. दैट परसुएड, देखो सी क्या बोल रहा है, परसुएडिंग चिल्ड्रन टू ईट वेजिटेबल इज हार्डली अ न्यू स्ट्रगल, इट्स नॉट अ न्यू स्ट्रगल. ये अभी इतना स्ट्रगल बना नहीं है, ना ही ये कोई ग्लोबल प्रायोरिटीज़ या प्रॉब्लम्स में कोई नंबर वन प्रॉब्लम है. तो एक तरफ तो हम बोल कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई अब लोग कुछ भी खा सकते हैं, और अब अमेरिका को सोचना पड़ रहा है कि लोग कैसे खाएं, पहले जब कुछ नहीं था, और अब वी हैव टू प्लान हाउ मच टू ईट वॉट टू ईट वॉट नॉट बिकॉज ऑफ सो मेनी ऑप्शन. और सी बोल रहा है ये अभी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम बनी ही नहीं है, it's not a struggle as such. So C is contrasting point and will be odd one out. Question number 10. Moreover, for most nations, government debt is projected to grow relative to income for years to come. मतलब generally अगर किसी country ने से debt लिया किसी international bank से, तो उसके अलावा उनकी income क्या उस country की, जो लोग earn कर रहे हैं पैसे, job कर रहे हैं, businesses कर रहे हैं, overall वो country भी कितना generate करी, उस हिसाब से हम भाई मेजर करते हैं कि कितना हो रहा है डेट को, कि किस लेवल पे है. द पॉपुलैरिटी ऑफ ऑस्टेरिटी पॉलिसीज हैज़ वेन्ड ओवर द सेवरल ईयर्स थैंक्स टू एविडेंस दैट मे हैव बीन काउंटर प्रोडक्टिव. कि सब कुछ ऑस्टेरिटी पे तो सिंपल, कि भाई सिंपल रहना है, कम खर्च में रहना है, इस तरह की पॉलिसीज़ होना, कि बाहर से कोई इंपोर्टेड चीज़ नहीं आनी चाहिए. जिस कंट्री में इस तरह की रूल्स होते हैं उसको ऑस्टेरिटी पॉलिसीज़ बोलते हैं. सो अभी ए और बी में तो कोई कनेक्शन नहीं है, बट लेट्स रीड सी एंड डी और कौन से दो या तीन सेंटेंस पेयर बनते हैं वो हम देखेंगे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ एविडेंस दैट गवर्नमेंट विद देयर ओन करेंसीज आर टू इनडेप्टेड. मतलब जिन गवर्नमेंट खुद की भी करेंसी है वो भी डेप्ट में, ऐसा नहीं कि डेट में है, मतलब फॉर एग्जाम्पल खुद की करेंसी स्ट्रांग है, इनका ये मतलब है. फॉर एग्जाम्पल US जैसी कंट्रीज़, उन्होंने भी शायद डेट लिया होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ ही डेट लेती हैं, ठीक है. तो यहाँ पे तो डेफिनेटली हम एक डेट की बात कर रहे हैं, तो शायद ये दोनों रिलेटेड हैं. लेट्स रीड डी एंड देन विल ट्राई टू फिगर आउट द सीक्वेंस हियर. बट मेनी आर स्टिल वरीड बाय द फैक्ट दैट रिलेटिव टू नेशनल इनकम गवर्नमेंट डेट इज नाउ लार्जर इन मेनी कंट्रीज दैन एट मेनी पॉइंट सिंस वर्ल्ड वॉर टू. मतलब हम बोल रहे हैं कि मेनी आर स्टिल वरीड कि अब गवर्नमेंट का इवन इनकम भी कंपेयर कर ले, जो कि इसकी बात हम इधर पे कर रहे थे, तो भी डेट अब बहुत ज़्यादा हो गया है पहले से. एंड बट ज़्यादा तो हो गया बट इनकम कितना उससे कंपेयर करेंगे. एंड देन सिर्फ नॉर्मल सारे नॉर्मल कंट्रीज ही नहीं, जिन कंट्रीज से खुद की भी बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है वो भी डेट में रहते हैं. ऑप्शन बी डजेंट टॉक अबाउट डेट एज सच एनी थिंग इजेंट इट. सो वेरी क्लियरली हम क्या बोल सकते हैं इधर पे कि इधर ए और बी में तो कोई भी रिलेशन नहीं, राइट. सो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं. इट शुड नॉट बी ए एंड बी बट ईदर ए और बी. इस तरह के जो क्वेश्चंस है फोर सेंटेंस है ईदर और वाले, वो जनरली आपको सी मैट सी टी में आएंगे, कैट में नहीं आता. कैट में जनरली स्ट्रेट अवे एक रहेगा. अ थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट सिविलाइजेशन कल्चर्स आर
रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ ऑल दी क्वालिटीज दैट मेक अप ह्यूमन नेचर एंड अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. ठीक है, तो अगर हमको सच में सिविलाइजेशन के बारे में कुछ सीखना है, कल्चर्स के बारे में सीखना है, तो हमें ह्यूमन नेचर भी सीखना पड़ेगा और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी सीखना पड़ेगा. अब ह्यूमन नेचर और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में इधर लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन नेचर इज़ हियर, कि हमें पहले ये बताना चाहिए कि भाई हिस्ट्री में बहुत सारी फॉल्स चीज़ें भी होती हैं ओल्ड रिकॉर्ड्स में. फॉर एग्जांपल कोई किंग है, वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उसने कुछ ऐसी एक्स्ट्रा लिखवा दिया, करा दो चीज़ें यहाँ पर लिखी 20 चीज़ें, तो ये एक ह्यूमन नेचर भी समझना है. किसी के बारे में ज़्यादा ही चीज़ें तारीफ लिखी है तो ज़रूरी नहीं उसने सारी चीज़ें की होंगी, या एवरी थिंग पॉजिटिव अबाउट दैट पर्सन दैट किंग इज़ लाइक अ फैक्ट और ट्रुथ, ज़रूरी नहीं है. सिमिलरली टू ट्रूली अंडरस्टैंड वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट, सेकेंड एन अकाउंट ऑफ द पास्ट मस्ट नॉट ओनली रिटेल वॉट हैपन, तो सिर्फ क्या हुआ वो नहीं, बट उसके रिलेटेड इवेंट्स, उस इवेंट को जो उसके साथ पैरेलली कोई दूसरा इवेंट हुआ होगा, जो लोग हैं उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो, तब पता चलेगा कि वो हिस्टोरिकल इवेंट कितना सही है, कितना लेजिट है, कितना नहीं, राइट. सो अगेन, अब इसको कॉज एंड इफेक्ट्स में ये सारी चीज़ों का कैसे रिलेटेड है ये हमको समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा क्या डेफिनेटली ऑड वन आउट है. तो यहाँ पे सी विल बी दी ऑड वन आउट. सो वी हैव सॉल्व 11 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट अ वेरी गुड आइडिया ऑफ हाउ टू सॉल्व ऑड वन आउट. हमने ये 5 एपिसोड्स की सीरीज निकाली थी, प्लीज़ एक बार फिर से देख लेना, जिसने देखा है, इसे नहीं देखा है एटलीस्ट एक बार स्टार्टिंग से 1 to 5 देखो. और हम कल से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सीरीज निकाल रहे हैं, जिसमें कि हम प्रॉपर मैराथन करेंगे. सो एग्जाम में आपको कैसा आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कि आपको एक बार में 4 पैसेजेस करने हैं, सो आई एम गोइंग टेक 4 पैसेजेस इन 1 सेशन. और उसको कैसे उसी टाइम लिमिट में करना है, हाउ टू सिलेक्ट पैसेजेस फर्स्ट, कैसे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ये आइडियल होगा फॉर कैट 2024 स्टूडेंट्स. बट ऑफकोर्स स्टूडेंट्स आर टेकिंग अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स कैन डेफिनेटली अटेंड इट. फॉर एग्जाम्पल इवन इफ यू टेकिंग GMAT एग्जाम, CMAT, CET, वो सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को अटेंड कर सकते हैं, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ कॉमन टॉपिक अमॉन्ग ऑल द एग्जाम्स, राइट. सो थैंक यू एवरी वन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.